महंगाई तो है भैया, महंगाई तो। ये बुर्ज खलीफा के बाद अगर कोई सबसे फास्ट लिफ्ट है ना तो वो यही है। मैच चल रहा है यहाँ पे। बिरयानी है, दाल, चने की दाल और बाजी की सब्जी है, पूरी सब्जी। स्वागत जी दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत में वापस आए बिल्कुल एक फ्रेश व्लॉग के साथ। सो भाई आज है दिन मंडे और अभी हम जा रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, तो मेरी ऑफिस की कैब आ गई है। और भाई जो मौसम हो रखा है ना, मतलब आज दिल्ली का गजब का मौसम हो रखा है, इतना मस्त। तो भाई ये आ चुकी है हमारी कैब, तो अभी हम इसके अंदर में जाएंगे और ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तो भाई जब से मेरा नया ऑफिस हुआ है ना, तब से मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी है, तो आज चलते हैं ऑफिस में भी व्लॉगिंग करेंगे। तो ये रहा मेरा टुक टुक। तो भाई ये है टुक टुक, तो अभी हम चलते हैं। तो ये है हमारे कैब वाले भैया। आइए आइए, थैंक यू जी भैया इंतज़ार करने के लिए। तो भाई ये है पीछे शोभा, तो आज व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं। तो अभी पहनते हैं सीट बेल्ट और फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको रास्ते का नज़ारा। देख सकते हो बाहर क्या मस्त मौसम हो रखा है एकदम दिल्ली का, मतलब जैसे गर्मी बुरी पड़ रही थी ना, उतना ही अच्छा मॉडरेट टेम्परेचर हो गया है। अभी मैं एग्जैक्टली बता तो नहीं सकता, बट व्हाट आई बिलीव कि भाई 35 से 37 डिग्री के आसपास होगा। और कैब में एसी जो चल रहा है ना, उसने तो और चार चांद लगा दी है। तो शोभा कैसा लग रहा है आपको दो दिन की छुट्टी के बाद? हो रही है, मुझे नींद आ रही है। मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का? नहीं। तो भाई ऐसे ही होता है जब दो दिन की छुट्टी मिलती है। और सही बताऊं तो मेरा तो पता नहीं कितने दिन से मन नहीं कर रहा, क्योंकि भाई इंडिया टू नेपाल की राइड मैंने बता ही दिया है आप लोगों को कि वो 2500 किलोमीटर की राइड करनी है। तो इतना मैं डेस्परेट हूँ ना, क्योंकि ये मेरी लाइफ की फर्स्ट राइड होने वाली है जिसपे मेरे साथ कोई भी नहीं होगा, मैं अकेले ही ट्रैवल करूँगा। तो बस ऐसा लग रहा है कि कैसे भी करके एक एक हफ्ता कट जाए और फटाफट वो दिन आया जब मैं निकलूं और हम अपनी ट्रिप को कंप्लीट करें। A few moments later. तो भाई हम लगभग पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस के रास्ते में। तो अभी हम हैं कापासडा बॉर्डर पे। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि ये जो बॉर्डर पिक्चर की बॉर्डर होती है ना, वैसे टाइप वाला बॉर्डर हो गए। आधी तो लगभग 7-8 साल तक मेरी जिंदगी इस अंधकार में थी, मुझे लगता था यहाँ बॉर्डर पे लड़ाई होती होगी, बट बाद में पता चला ये वैसा कुछ बॉर्डर नहीं है, ये गुड़गांव और दिल्ली वाला बॉर्डर है। सीएनजी का बॉर्डर है, केवल इधर सस्ती है उधर महंगी है, और महंगाई का बस मारा मारी है। बोलो ना कुछ है महंगाई, अगला दिन बोलेगा तब ना हम बोलेंगे जवाब। यहाँ पे सिंगल टैक्स लगता है, दिल्ली में डबल टैक्स लगता है भाई। हमारे भाई ओपन नहीं होना चाहता, कोई खेल देगा मेरे बस हवा निकल गई। अरे नहीं नहीं भैया, देखो आम जनता, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों आम जनता को क्या क्या दिक्कत हो रही है बॉर्डर से इस पार और उस पार लेके। तो वो सारी भावनाएं भैया व्यक्त कर रहे हैं। तो बताओ भैया क्या दिक्कत है, कहाँ सीएनजी सस्ती मिल रही है आज? इधर जो यूपी में है ना, वो दिल्ली में है ना, सीएनजी बहुत सस्ती है। हरियाणा में सीएनजी महंगी, यही बॉर्डर का अंतर है। अच्छा, पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस और ये जितनी ऊंची अच्छी बिल्डिंग दिख रही है उतना ही गंदा माहौल दिखेगा आपको। ठीक है, तो फिर हम अब जा रहे हैं अंदर में। वैसे मजाक कर रहा हूँ भाई, अंदर का माहौल भी बहुत अच्छा है। चलो जी भैया मिलेंगे अब नेक्स्ट ट्रिप में कभी। हाँ, फोर्थ दबाना था। देखो भाई ये बुर्ज खलीफा के बाद अगर कोई सबसे फास्ट लिफ्ट है ना तो वो यही है ना यार। मैं भी तो लगा लूँ, नागरिकों में भी यहाँ का देखो ये दोनों, मैं भी आपको लगा के बोलता हूँ। तो अब मैं भी बन गया भाई वैभव का नागरिक, ये रहा मेरा आईडी कार्ड। मैच चल रहा है यहाँ पे, तो ये टाइम पास करने के लिए सबसे बढ़िया जुगाड़ है जब हम ऑफिस आते हैं। तो अब दो दो प्लेयर हो गए हैं, एक सिंगल हमारा मनीष, देखते हैं कौन जीतता है। तुम जीतोगे पक्का? लिख के दे रहे हो? ब्लॉग ऑलरेडी बन रहा है। हाँ मैं घर से बनाते जा रहा हूँ ब्लॉग। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जीत तो चलती रहेगी, लंबा चलेगा वो। तो अभी हम चल रहे हैं कैफेटेरिया में चाय पीने, देखते हैं क्या है, कुछ खाने का मन करता है भूख, क्योंकि बिना चाय की शुरुआत नहीं होगी। इंजय हितेश भाई मिल गए हमें, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे चाय पीने। भाई सीरियसली मेरे को भी नींद आ रही है, मेरे को नींद आ रही है कैब से। यहाँ गया मैं चाय पूछने के लिए, साला चाय ही नहीं बनी।
मौसम बढ़िया हो रखा था ना आज, बहुत अच्छा हो रखा है मौसम। तो भाई हितेश है हमारा चड्डी बड्डी गैंग इस ऑफिस का, जितने भी कारनामे मेरा मुंह तो निकल गई क्या बताऊं भाई, मतलब भाई अपने चड्डी बड्डी यार जितने भी कारनामे होते हैं ना सब हितेश के साथ ही होते हैं मेरे ऑफिस के कारनामे, जितने कारनामे बड़े बड़े होते सारे मैं ही बताता हूं। हाँ ये बात तो है भाई, ऑफिस में जितने भी कारनामे किए होते हैं ना मैंने सारे ये बचाते हैं। तो अभी चलते हैं बाहर की तरफ और चाय पीने, क्योंकि चाय की तलाश जारी है अभी भी हमारी। और ये देखो क्या मस्त ऑफिस है भाई, यार मौसम इतना बढ़िया है मन कर रहा है काम वाम या बाढ़ में। ये देखो ऑटोमेटिक डोर, ये अपने आप खुल जाएगा। ये पैसा खर्चा कर रखा है हमारे ऑफिस वालों ने, ऐसी बात नहीं है भाई, पैसे में कोई कमी नहीं छोड़ी, बिल्डिंग अच्छी चुनी है हमारी ऑफिस वालों ने। देख रहे हो मौसम क्या मस्त हो रखा है, ये रात में ना फाउंटेन चलते हैं इसमें, मतलब लाइट जलती है और चलता है, रात को भी दिखाऊंगा कितना मस्त लग रहा है, फूल एक नंबर का, पानी पड़ने के बाद तो और अच्छे लग रहा है इसमें। तो ये है हमारा चाय वाला अड्डा, जिनको स्मोक करना होता है वो करते हैं, हम चाय पीते हैं। तो यहीं से सारा हिसाब किताब, हमारी नींद खुलती है मतलब ऑफिस के। तो भाई चाय मिल चुकी है हमें, अब नींद खुल जाएगी। वैसे यार वैसे भी सही था यार, ये जो कैफेटेरिया वाली चाय होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं मिलती, ये ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो अभी चाय पीते हैं क्या, हर कैफेटेरिया की चाय अच्छी मिलती है। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो, कैफेटेरिया में सिर्फ पागल ही बनाते हैं, तो ये चाय अच्छी मिल गई। और वो तो सही हुआ कि हितेश आ गया कंपनी देने के लिए, क्योंकि अकेले नीचे आने का फिर मन नहीं करता। तो अभी हम चाय पीते हैं और उसके बाद जाके ऑफिस में काम करते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपको लंच में। One hour later. माया लंच करने और आज हमारे लंच में क्या है, ये बिरयानी है, दाल चने की दाल और पूरी भाजी की सब्जी है, पूरी सब्जी पूरी भाजी, और ये पनीर की भुर्जी और ये पूड़ी। तो मैंने लिया है अपना भाई नॉर्मल चावल अपना, और उसके बाद दाल और पनीर की भुर्जी और सैलेड। इसी के साथ करण भाई भी आ चुके हैं हमारे देसी छोरा खाना मैंने ले लिया, और ये हितेश अपना खाना गर्म करने गया भाई। तो जी अभी अब खाते हैं खाना और उसके बाद चलते हैं नीचे, क्योंकि हर ब्रेक में ना चाय मैंडेटरी होती है, चलना है ना भाई नीचे। तुम सुट्टा वाले हो भाई, मैं सुट्टा उट्टा नहीं मारता ना, तो मैं चाय मार लेता हूँ, अपने को चाय से नशा है। वापिस आ गया मैं एक बार लिफ्ट में, इधर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ऊपर एक कैमरा लगा हुआ, कह गए क्या कर रहा है भाई। और ये देखो लड़कियों के शौक सिंगार जैसे होते हैं ना वैसे हितेश के बाल हैं, इसी में एक घंटा लग जाता होगा ना तुम्हें आराम से। यार आजा हम इस वाले साइड से आए हैं ना पहली बार, अब इधर साइड से कहाँ से भाई, इधर साइड से कन्फ्यूज क्यों हो रहे हो। सोड़े जी दोस्तों हम आए अपने सेकंड ब्रेक में, तो अभी वैसे टाइमर लगा रखा है मैंने, बट टाइम हो रखा है 12 बज रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं भाई ब्रेक लेने चाय पीने, मतलब क्या होता है ना यार कि इस टाइम तक जगना बहुत ज़रूरी होता है, तो कॉफ़ी पीना हो तो कॉफ़ी पी लो और चाय पीना है तो चाय पी लो। प्योर हमने मंगाया है पकौड़े भजिया चाय, हाँ सॉरी भाई जो भी हो भजिया तो कुछ भी लो, हाँ और चाय लेके पी लिया मैंने। बाद में याद आया कि भाई आज तो मैं ब्लॉग बना रहा था तो मैं भूल ही गया। A few moments later. तो भाई अब हो चुकी है रात और फुल फ्लैश में लाइटें जल चुकी है पूरे ऑफिस की, और ये देखो क्या नज़ारा, पूरा का पूरा एम्बियंट लाइटिंग से मज़ा ही मतलब बांध दिया ऑफिस के अंदर में। और अब हम जा रहे हैं वापस अपने फ्लोर पे, क्योंकि हमारा ब्रेक हो चुका है ख़त्म, तो मजदूरी पूरी करने जा रहे हैं। और इसके बाद अब जो हम निकलेंगे वो सीधा छुट्टी पे ही निकलेंगे, क्योंकि अब हमारे पास में कोई भी ब्रेक नहीं बचा है। तो आई होप आपको अभी तक ये जहाँ तक की वीडियो आपने देखी है वो अच्छी लगी होगी, और हमारा ऑफिस का टूर आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर आप आए हो मेरे चैनल पे पहली बार तो भाई कंटेंट ज़रूर देख के देना, आपको कंटेंट ज़रूर देख के जाना ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं किस टाइप की वीडियोज़ बनाता हूँ। और भाई सपोर्ट करिए दिन अगर इतना वीडियो देख लिया है तो। और ये देखो ऑटोमेटिक दरवाज़ा, मतलब इतना मस्त फीलिंग आती है ना इसको देख के, वैसे कुछ यूनिक नहीं है बट मज़ा आता है। और पूरा ऑफिस इस टाइम खाली हो रखा है एकदम, आवाज़ गूंज रही होगी हमारी आपस में ही। तो वापस हम लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए, सो दोस्तों अब हो चुकी है हमारी छुट्टी और हम जा रहे हैं नीचे कैम को बोर्ड करने, और नीचे ऊपर ऊपर तो भाई ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो अभी हमारी कैब सबकी लगी होगी, ऑलरेडी फोन में मैसेज आ चुका है कि किसकी कैब कौन सी है, जाके अपने अपने कैब में बोर्ड करके और दफा हो जाएंगे अपने अपने घर पे, और फिर वापस से मुंह उठा के आ जाएंगे कल सुबह। हाँ
अरे बस भाई, इतनी ताकत नहीं दिखानी थी। और एक जी दोस्तों, तो हमारी कैब ये रही 23, ऐसी हमें सारी डिटेल लगी होती है। हाँ ये देखो, देखो वो दो, ये देखो ये जमूरा बैठी हुई है। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। गार्ड जाएगा क्या? नहीं, गार्ड जाएगा। अरे यार भाई, अब पीछे बैठना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हम तीन है ना, तो बोलते हैं ना फिर चलने के लिए, फिर रुकना क्यों है। तो भाई चल पड़ी है हमारी कैब हम लोग को अपने अपने ठिकाने पे छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे एक लास्ट चेकिंग होगी, गार्ड वाले भैया आएंगे सेफ्टी पर्पस के लिए, और उसके बाद सबसे पहले होगा ड्रॉप इस महान हस्ती का, उसके बाद होगा मेरा, और उसके बाद सबसे लास्ट में होगा शोभा का। तो इस तरीके से हम अपने अपने घर पे जाते हैं, और वही पिकअप के टाइम पे क्या होता है कि सबसे पहले होता है शोभा का, फिर होता है सेकंड पे मेरा, और फिर उसके बाद लास्ट में होता है इस महान हस्ती का। कितना अच्छा लग रहा है मुझे, जाओ पैदल जाओ, हर बार तुम्हारे चक्कर में गली में घुसना पड़ता था, कितना बढ़िया लग रहा है ना। चलो बाय 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 बाय, ठीक है अच्छे से जाना। तो भाई हमारी कैब हमें छोड़ के जा चुकी है, तो ये है मेरा ड्रॉप पॉइंट, रोड क्रॉस करते के साथ मेरा घर आ जाता है, और अभी बज रहे हैं रात के 3। एक बार दिखा दूँ, ओ भाई 4 बज गए, सीरियसली आज इतना लेट हो गए। तो भाई इसी टाइम तक हम लोग पहुँचते हैं अपने घर पे, पूरा सुनसान होता है एरिया, तो बट कोई नहीं, आदत हो चुकी है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अजीब लगता था, इनसिक्योरिटी तो रहती ही है यार, बट ये गार्ड इसीलिए होते हैं, वो पूछते हैं कि आपको जाना है तो मैं छोड़ के आ सकता हूँ, बट ठीक है यार, वो भी तो इंसान है, क्या ही अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में होता है, फीमेल्स के लिए ज़रूरी होती है। तो बस आई होप गाइज आपको ये मेरा डेली रूटीन अच्छा लगा होगा, और मेरा नया ऑफिस आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो या मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, क्योंकि हर इंसान को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तभी वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। और साथ के साथ आप मेरे चैनल पर जाके मेरा कंटेंट ज़रूर देखना, और तब आपको समझ आएगा कि मैं कैसी वीडियोस बनाता हूँ। और अभी एक बहुत ही अमेजिंग वाली ट्रैवल वीडियोस आने वाली है, तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बस इसी नोट पे करते हैं आज की इस वीडियो को क्लोज, तो मिलेंगे हमारे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।